हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और काफी डिटेल और थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैनर में देख रहे हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे विद इन इंडिया क्या सीन चल रहा है, थोड़ा पैरेलली बाहर की भी घटनाओं को लेकर चलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में अब इन्वेजन होना शुरू हो जाएगा जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी फॉल डाउन हो गई है। तो फॉल डाउन होने के बाद फिर अल्टीमेटली जो वीकर डायनेस्टीज हैं जैसे शुंग डायनेस्टी हो गई, कांवा डायनेस्टी हो गई, तो ये स्टार्ट हो गई थी आना मौर्यन टाइम से ही। इनफैक्ट मौर्यन में लेटर मौर्यन टाइम से ही फॉरेन इन्वेडर्स अटैक करना शुरू कर दिए थे। बाद में शुंग डायनेस्टी आती है तो उसमें और ज्यादा इन्वेजन हो गए थे। तो हम लोग देखेंगे आज किस तरीके से इन्वेजन हुआ और किस तरीके से जो हमारी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है अल्टीमेटली वो एक फॉरेन इन्वेडर के हाथ में चली गई थी और आखिर में वो कौन से रीजंस थे जिनके कारण से वो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया की ओर में अट्रैक्ट हुए हैं। जब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्लास आज थोड़ी लेट से शुरू हुई है, सॉरी फॉर दैट, और हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. Last class में हम लोगों ने एक video देखा हुआ था जिसमें मैंने Indo-Greek and initial presence of the Greeks in India इस topic को लेकर के आप लोगों को बताया था और जहां पर हम लोगों ने Indo-Greek के बारे में basically चर्चा की थी। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा एक hint दिया था कि आगे शकास के टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी हम लोग इस वीडियो की भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे बाकी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो फटाफट जरा देखते हैं लास्ट क्लास के थोड़ा सा रिवीजन को। हम लोगों ने देखा था कि सेलुकस निकेटर, इसके अलावा एंटियोकस और एंटियोकस टू, ये बेसिकली रूलर बन चुके थे जो भी इंडिया के नेबरहुड में था, मतलब कि वेस्टर्न साइड में ये इस तरीके की चीजें होना शुरू हो गई थी। सेलुकस निकेटर ऑब्वियसली निर्याकस और बाकी अपने साथ के लोगों के साथ कंपटीशन के और अल्टीमेटली ये जीत गया था और जीतने के बाद अपने पूरे एरिया को, मतलब कि जो आसपास का एरिया था बैक्ट्रिया पार्थिया इन सारे एरिया को इसने कैप्चर कर लिया था और अपना ये डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था। एंटियोकस वन, ये भी बताया था मैंने कि एशिया माइनर को इसने कब्जा कर लिया था और इस एशिया माइनर के साथ ही इसकी जो एरिया है वो एक्सपैंड हो गई थी, टेरिटरी जो है वो एक्सपैंड हो गई थी। फिर एंटियोकस टू आया था जिसमें मैंने बताया था कि यहां पर इस समय तक रूलर थोड़ा सा वीक हो गए थे, ये थोड़ा सा वीक था और इस टाइम पर बैक्ट्रिया और पार्थिया इन दोनों जगहों पर एक तरीके से विद्रोह होना, मतलब कि रूलर के अगेंस्ट में जाना शुरू हो गया था। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जो इसके बाद का राजा एंटियोकस थ्री बनता है वहां पर विद्रोह ज्यादा हो जाता है। फिर मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था जहां पर यह बताया था कि दिस वॉज द एशिया माइनर और इसके थ्रू ये पूरा इलाका जो पहले था वो सेलुकस के पास में था और अल्टीमेटली ये इलाका भी सेलुकस के ही पास में आ गया था और ये बेबीलोनिया एंड ऑल दैट ये सारा हो गया था, लेकिन यहां पर ये एरिया अलग था, दिस वॉज द अरेबिया और यहां पर ये इलाका इजिप्ट था, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया हुआ था। फिर मैंने बताया था कि यहां पर जो है बैक्ट्रिया और पार्थिया ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट घोषित करना अनाउंस करना शुरू कर दिए थे क्योंकि अगेन जो यहां पर रूलर था एंटियोकस टू और बाद में एंटियोकस थ्री थोड़े से वीक थे, हालांकि एंटियोकस थ्री स्ट्रांग था बट एंटियोकस टू वीक था जिसके कारण से अगेन पार्थिया और बैक्ट्रिया इन दोनों जगहों पर अपना नया लोग निकल करके आ गए थे। बाकी इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में यहां पर मौर्यन एज चल रही थी, ये भी हम लोग देखे हुए हैं। ये बेसिकली वो तीन एरियाज हो गए थे जहां पर ग्रीक के रेस्ट ऑफ द एरियाज हो गए थे, इसके अलावा बैक्ट्रिया का एरिया और पार्थियन का एरिया हो गया था जहां पर ये तीनों रूलर अपना रूल कर रहे थे। एक साइड में एंटियोकस टू के बाद एंटियोकस थ्री आ गया था, डायोडोटस वन आ गया था बैक्ट्रिया के साइड से और पार्थिया के साइड से आर्सेकस हो गया था। इन दोनों के बीच में आपस में काफी राइवलरी होती थी, दोनों के बीच में काफी वॉर थे जिसके कारण से इसके बाद का रूलर डायोडोटस टू जब आता है तो इनके साथ में एक ट्रीटी साइन कर लेता है। एज पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी यहां पर अब इन दोनों के बीच में पीस हो जाती है, दिस इज बेसिकली पीस। एक्चुअल में ये पीस नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है कि कुशंस इस साइड से भी आ रहे होते हैं तो इन पार्थियन के पास ऑप्शन रहता है या तो टू स्टेट वॉर लड़िए एक साइड में बैक्ट्रिया से दूसरे साइड में कुशंस से, लेकिन दूसरे साइड में ये होता है कि वन साइड केवल वन स्टेट अटैक करिए, यहां पर पीस कायम कर लीजिए और दूसरे साइड में आप अटैक करना है तो अटैक करवाते रहिए।
इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस के भी बारे में, इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अगेन ग्लिम्प्स हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि डायोडोटस, जो कि डायोडोटस की हम लोगों ने फोटो देखी हुई थी, डायोडोटस के लिए फिर यूथिडेमस आता है बाहर से और अटैक करता है। अटैक करने के साथ में डायोडोटस साहब हार जाते हैं और फिर अल्टीमेटली बैक्टीरिया पे यूथिडेमस का अधिकार हो जाता है एज पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट। अच्छा, ये बेसिकली जो फोटो थी वो एंटियोकस थ्री की थी, ये ध्यान में रखिएगा, दिस वॉज द एंटियोकस थ्री। और फिर अल्टीमेटली एंटियोकस थ्री और यूथिडेमस के बीच में एक राइवलरी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को वॉर पे आ जाते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो वॉर में कुछ भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट यूथिडेमस टेलियस को भेजता है एंटियोकस थ्री के पास में कि जाओ वहां पर बातचीत करके आओ, और टेलियस बेसिकली कुछ नहीं कर पाता है। फिर बाद में यूथिडेमस का लड़का जाता है, दैट इज द डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस फिर अल्टीमेटली बातचीत करके शादी वादी करके आ जाता है। और ये डेमेट्रियस बेसिकली जब आगे बढ़ता है तो इंडिया पर ये अब अटैक कर देता है। तो ये बेसिकली जो अटैक है वो डेमेट्रियस का था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, डेमेट्रियस। और इस समय डायनेस्टी कौन सी आ गई है, इस समय डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी आ गई थी, शुंग डायनेस्टी। और इनफैक्ट शुंग डायनेस्टी और साउथ में तो सिंपल वही है, चोल, चेर, पांड्य, ये सब अभी जो है अभी अपने मतलब स्टार्टिंग फेज में थे, अभी अपने कह लीजिए कि जो है ट्राइबल एज में है। इसके अलावा सातवाहन डायनेस्टी बाद में राइज करेगी। इस शुंग डायनेस्टी के बाद में कण्व डायनेस्टी आती है, और कण्व डायनेस्टी के बाद अल्टीमेटली सातवाहन जो कि यहां पर आ गए थे वो बेसिकली सातवाहना इस पे अटैक कर देते हैं, मतलब कण्व डायनेस्टी पे अटैक कर देते हैं और अल्टीमेटली इस पूरे एरिया को जीत लेते हैं, और ये बेसिकली एरिया एक्सपैंड हो जाता है। हम लोगों ने सातवाहन डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, इन तीनों को हम लोगों ने सेपरेटली काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अब जरा यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डेमेट्रियस के आगे की कहानी, क्योंकि इस इलाके में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका है, इस इलाके में डेमेट्रियस यानी कह लीजिए कि जो ग्रीक्स हैं उनका एकाधिकार हो गया है। तो अभी ग्रीक्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा, और इनफैक्ट ये ध्यान में रखिए, सबसे पहले इंडिया में कौन आए, तो सबसे पहले इंडिया में बैक्ट्रिया वाले आए थे। बैक्ट्रिया इन द सेंस कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ग्रीक आए थे। इस ग्रीक के बाद में फिर शकास आए थे, और शकास के पीछे रीजन अभी हम लोग देखेंगे। शकास को सीथियंस भी बोला जाता है, समटाइम्स क्वेश्चन में भी आस्क लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को, इसलिए ध्यान में रखना है। शकास के बाद फिर जो है पार्थियंस आए, और पार्थियंस के बाद अल्टीमेटली यहां पर कुशंस आए, और कुशंस के बाद गुप्ता पीरियड आता है। कैसे आता है देखेंगे हम लोग अगेन इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिकली थोड़ा सा स्टोरी कि आखिर में ये जो शकास है वो इंडिया में क्यों आए, उसके पीछे रीजन, उसके पीछे जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कुशंस से। कुशंस जो थे वो बेसिकली चाइनीज एरिया में रहते थे, या कह लीजिए कि जो चाइना या फिर इंडिया के टेरिटरी के पास में ये जो एरिया है तिब्बत का एरिया, यहां पर बेसिकली ये कुशंस थे इस इलाके में। और यहां पर मतलब एक थ्योरी है, मंगोल थ्योरी, उस थ्योरी के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये लोग जो है वो नोमैडिक नोमैड्स थे, तो देवर नोमैड्स, खानाबदोश थे, मतलब कि ये बेसिकली, और हाँ सीधी सी बात है ये भी अपना एक ट्राइबल्स ही होगा। ट्राइबल्स, ट्राइबल का मतलब एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ द पीपल या ग्रुप ऑफ द फैमिलीज भी बोल सकते हैं, एक साथ में लोग रहते होंगे ये नोमैड्स। सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एरिया को अकुपाई किए ही होंगे, इस एरिया के अकुपाई करने के कारण, अच्छा इन नोमैड्स का नाम जान लीजिए, इन नोमैड्स को बुलाता था यूची। देखिए कुशंस या फिर इसी को बोलते हैं क्विशांग, वर वन ऑफ द फाइव ग्रेट यूची प्रिंसिपैलिटीज, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी कुजल कटफिजस, ये हम लोग बात करेंगे अभी कि आगे क्या चीज है कुजल कटफिजस, ब्रॉट टुगेदर दीज फाइव प्रिंसिपैलिटीज एंड फाउंडेड द कुशन एम्पायर। कुशन मूवमेंट इन द इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द कटफिजस वन टाइम। अब जरा यहां पर जरा ध्यान से समझने की जरूरत है, केवल आप लोगों को यहां पर यूची के बारे में बताना था, यूची क्या थी और किस तरीके से यूची आगे बढ़ रही थी। यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है बेसिकली वो यूची है, तो मैं इनको इरेज करके यूची लिख देता हूं ताकि आगे की कहानी हम लोग समझेंगे। तो दे ये बेसिकली जो है वो यूची है, ठीक है। अब देखिए जो यूची है वो एक तरीके से नोमैड्स थे, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। और ये बेसिकली जो मॉडर्न डे जो चाइना है उसी के
और इंडिया के नेबरहुड के एरियाज में ही रहते थे। यहां पर होता क्या है कि यूची और जो चाइनीज रूलर है, चाइनीज रूलर उसका नाम रहता है हिंगनू, दिस इज द हिंगनू, इन दोनों के बीच में वॉर होती है। वॉर होने पे ऑब्वियसली जो यूची है वो हार जाते हैं और हिंगनू जीत जाता है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट होता क्या है कि यूचियों को ये जगह छोड़ करके जाना पड़ता है। तो अगर ये ऑब्वियसली अपने राइट साइड गए तो यहां पर तो पूरा का पूरा चाइना है, हिंगनू का ही पूरा का पूरा एरिया है, तो दे वर फोर्स टू गो टू द लेफ्ट साइड। और इस तरीके से ये बेसिकली कहां पे आना शुरू कर देंगे, ये बेसिकली बैक्ट्रिया के इलाके में और पार्थिया के इलाके में ये अब आएंगे। तो ये बेसिकली यहां पर है। अच्छा, यहां पर जो है वो हिंदू कुश है, दिस इज हिंदू कुश, तो इस वजह से हिंदू कुश को ये क्रॉस नहीं किए, ये पहले आए और पार्थिया में आए। पार्थिया में जैसे ही आए ऑब्वियसली यहां पर जो है फिर से युद्ध होगा, फिर से वॉर होगी। तो यहां पर अब जो पार्थिया का एरिया है इससे जस्ट पहले एक और ट्राइब्स रहती है, जैसे ये यूची नोमैड ट्राइब है वैसे ही एक और ट्राइब रहती है जिसका नाम रहता है वुसून ट्राइब, दिस इज वुसून ट्राइब। अब इन वुसून ट्राइब वालों का यूची के साथ में वॉर होता है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट वुसून वाले हार जाते हैं, ये डिफीट हो जाते हैं और इस पूरे के पूरे जो भी आसपास का जो एरिया है, जो भी टेरिटरी है, उस पर यूचियों का अधिकार हो जाता है। इस यूची में अब देखिए यहां पर इनके पास अपनी एक टेरिटरी हो गई है, सेफ टेरिटरी हो गई है क्योंकि हिंगनू अटैक करने वाला है नहीं। तो यहां पर यूची जो है वो दो पार्ट में बट जाते हैं। एक पार्ट यूचियों का आता है जो ये कहता है कि नहीं, मुझे इसी इलाके में रहना है, इन द एरियाज ऑफ द तिब्बत, तिब्बत के एरिया में, मतलब कि कह लीजिए कि इस एरिया में और साथ में इस एरिया में। तो इन दोनों एरिया में जो लोग रुक गए उनको बोला जाता है जो छोटे यूची थे, मतलब कि स्मॉल यूचीज आप बोल सकते हैं, दे वर द स्मॉल यूचीज, ठीक है। और दूसरे जो है जो आगे और बढ़ने के लिए आ गए, कहे कि नहीं मुझे आगे और बढ़ना है, वो लोग कहे गए यूची जो कि वॉरियर यूची थे, तो ये वॉरियर यूची के नाम से आगे जाने जाने लगे। तो यहां पर ये लोग तो जो है परमानेंट सेटलमेंट कर गए, तो इनके बारे में हम लोग कहानी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो आगे बढ़े जो वॉरियर्स थे बेसिकली उनके बारे में हमें आगे पढ़ना होता है। तो ये यूची जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए एक चीज और, वुसून जो है ये हार चुका है, हारने के कारण सीधी सी बात है इसको बदला लेने वाली भावना आ गई होगी, तो बदला लेने के लिए ऑब्वियसली ये कहां जाएगा, ये जाएगा हिंगनू के पास में और हिंगनू से जाकर के मिल जाएगा। हिंगनू से आपस में जाकर के मिल जाता है और ये बेसिकली फिर अटैक कर देते हैं यूचियों पे जो कि इस एरिया में रह रहे हैं, पार्थिया और बैक्ट्रिया के एरिया में रह रहे हैं। जैसे ही अटैक कर देते हैं ये, फिर इनको इस एरिया, यूची हार जाते हैं तो इस एरिया को ये वैकेट करना पड़ता है। तो अब एक ऑप्शन है कि ये आगे और बैक्ट्रिया के आगे और चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि ये लोग आ जाएं इस पाकिस्तान वाले रीजन पे जिसको ऑक्सस वैली भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये लोग अलग अलग एरियाज में फैल गए, मतलब कुछ लोग बैक्ट्रिया चले गए, कुछ लोग उसके आगे भी चले गए, कुछ लोग इस पाकिस्तान वाले साइड चले गए। तो इस तरीके से बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इधर उधर तितर बितर हो गया, एक तरीके से डिस्पर्स हो गया। लेकिन इस डिस्पर्स होने से पहले इनका जो अटैक है, जो शकाज है बेसिकली, यहाँ पर जो शकाज, शकाज जो होती है छोटी सी कह लीजिए कि ट्राइब हुआ करती थी, वो अगेन इस एरिया में रहती थी, उनका यूचियों के साथ में वॉर हुआ रहता है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट उनको भी हटा दिया जाता है। हटाने के कारण से अगर वो अपने इस साइड में जाते हैं, मतलब कि अपने लेफ्ट में जाते हैं, ग्रीक के एरिया में जाते हैं, पर्शिया के एरिया में जाते हैं, तो वहां पर एंटियोकस बैठा हुआ है, एंटियोकस से ऑलरेडी उसका वॉर हो रखा है क्योंकि इस इलाके के लोग बगावत कर दिए थे, इस इलाके के लोग रूरल के अगेंस्ट चले गए थे, तो इस वजह से वो इधर नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने चूज किया इंडिया में आने का। जैसे ही ये इंडिया में आए, यहां पर मतलब कि जो मथुरा का इलाका है, इस इलाके में एक नया रूलर आ गया था जिसका नाम था विक्रमादित्य, अभी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। विक्रमादित्य से इन शकाज का बेसिकली अटैक होता है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट शकाज हार जाते हैं और इनको फोर्स कर दिया जाता है कि आप मालवा में चले जाइए। तो ये बेसिकली मालवा पे चले जाते हैं और यहां पर वीक रीजन पा जाते हैं और इस एरिया को ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है जो शकाज के इंडिया में एंटर करने के कारण मतलब कि आई हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटी सी स्टोरी, केवल आपको स्टोरी ध्यान में रखनी है ताकि आपको एक
continuity maintain ho. वैसे I am trying to make all the continuity within India also and outside India, but फिर भी आप इस story को ध्यान में रखिएगा. Question इसीलिए जो होता है, one of the five branch of the Yuchi tribe who lived in the Chinese frontier or Central Asia, they were known as Guishang in the Chinese sources. They eventually acquired dominance over the other Yuchi tribe. जैसा कि already हम लोगों ने देखा, जो हिंगनू था उसने अटैक करके यूचियों पर अधिकार कर लिया था. They moved eastward towards India and defeating the Parthians and Shakas in the first century AD. तो इस तरीके से first century AD में ये अटैक करके ultimately Shakas को भगा दिए थे और इस इलाके में रहना शुरू कर दिए थे. तो अगर आप देखेंगे तो इस समय कांड्स के बाद में फर्स्ट सेंचुरी एडी के दौरान में अगर देखेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी अब जो है वो अपने पीक पर थी. तो सातवाहनास वर ऑन द पीक. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी आ गया है. क्योंकि अब देखिए इसके आगे क्या होता है, जरा शकास के वापस से शकास पे बात करना शुरू करते हैं. क्योंकि ये लोग मतलब कि 20 सेंचुरी बीसी के दौरान में आए थे और इंडिया पर अटैक किए थे. तो ये बेसिकली शकास आ गए हैं और ये आए नहीं है, दे वर फोर्स्ड टू एंटर इनटू द इंडिया. ठीक है, तो ये फोर्स किए गए थे. तो शकास बिलोंग टू द सीथियन एथनिक स्टॉक. द मूवमेंट ऑफ शकास इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया केम टू हील ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिर दरिया. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेट यूची ट्राइब. तो ये ग्रेट यूची ट्राइब जो है बेसिकली इनको फोर्स किए, डिस्प्लेस कर दिए फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिर दरिया. सिर दरिया आमू दरिया आप लोगों ने सुना होगा. तो सिर दरिया से हटा करके बेसिकली इनको इंडिया में एंटर करने के लिए फोर्स किया गया. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जहां पर ये चाइना है और इस चाइना में हिंगनू का अधिकार था, हिंगनू का पूरा ये एम्पायर था. दूसरे साइड में यूची आप देख सकते हैं कि इनको यहां से डिस्प्लेस करके इस एरिया में भेज दिया गया है. एज पार्ट ऑफ रिजल्ट यहां पर जो ट्राइब सीथियंस रहते थे, शकाज रहते थे, उनको फोर्स करके अंदर इंडिया में एंटर करा दिया गया है. बाकी अलेक्जेंडेरिया देख सकते हैं, ये ऑलरेडी जो होता है सिकंदर ने जिसने बनाया हुआ था, और इस तरीके से सीथियन अटैक हुआ था. लेकिन यहां पर देखेंगे तो दो पार्ट है. वन इज द वेस्टर्न पार्ट जहां पर क्षत्रप लिखा हुआ है, सेकेंड वन इज द सीथियन किंगडम. ये एक्चुअली जब शकाज पूरी तरीके से इंडिया में आ गए थे तब की ये फोटोग्राफ है. तो यहां पर बेसिकली दो रूप देखने को मिलेगा, वन इज एंड सेकेंड. ठीक है, बेसिकली यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो शकास थे उनके फाइव लिंक थे, फाइव लिंक या कह लीजिए कि फाइव तरीके के उनके क्षत्रप्स थे. ठीक है, अब देखिए इसमें से जो पांच है उसको तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं. एक है जो अफगानिस्तान के एरिया में था, तो ये अफगानिस्तान वाले को हम लोगों को ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी इनका डिक्लाइन हो गया था, फॉल डाउन हो गए थे, ये लोग खत्म हो गए थे क्योंकि इस इलाके को डिमेट्रियस ने अटैक करके इस पर पूरा अधिकार कर रखा था. तो इनका डिक्लाइन बहुत ही जल्दी हो गया था, तो इसके बारे में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं होता है. जो फर्स्ट नंबर है उसको बोला जाता है ये नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ क्षत्रप्स हैं, दिस इज द नॉर्थ क्षत्रप्स. और इस इलाके में दो टेरिटरी आती है, एक आती है तक्षशिला की, दिस इज तक्षशिला की टेरिटरी, और दूसरी आती है मथुरा की टेरिटरी, दिस इज मथुरा की टेरिटरी. और सेकेंड नंबर जो आता है उसको बोला जाता है वेस्टर्न क्षत्रप, दिस इज द वेस्टर्न क्षत्रप. ठीक है, ये लोग आप ये सब आपने अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, वेस्टर्न क्षत्रप. यहां पर दो इलाका आता है, एक आता है उज्जैन का इलाका, दिस इज उज्जैन का इलाका, और दूसरा आता है नासिक का इलाका. ठीक है, ये दोनों इलाके आ जाते हैं. साउथ में अगर देखेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी अगेन ये स्ट्रांग हो रही थी. इसमें जो है हॉल वगैरह रूलर बन चुके थे, शातकर्णी वन देन हॉल, और इस तरीके से बाद में जब क्षत्रप्स डेवलप हो जाएंगे तो उसी समय नासिक का जो क्षत्रप रहता है नहपान, उसी के साथ में गौतमी पुत्र शतकर्णी का वॉर होगा और अल्टीमेटली नहपान हार जाएगा. तो हम लोग देखेंगे अभी आगे क्या चीज है. अब देखिए यहां पर फिर जो तक्षशिला है, इस तक्षशिला में भी अपनी एक डायनेस्टी चल रही थी, दिस वॉज द इंडिपेंडेंट डायनेस्टी. ऑब्वियसली शक थे लेकिन ये इंडिपेंडेंट डायनेस्टी यहां चल रही थी, दूसरी मथुरा में चल रही थी. लेकिन मथुरा का सीन ये था कि जैसे ये लोग आए यहां पर था विक्रमादित्य एक राजा, विक्रमादित्य इंडिपेंडेंट था. दिस विक्रमादित्य इज नॉट गुप्ता डायनेस्टी वाला विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू नहीं है, दिस इज डिफरेंट. ठीक है, इसको अटैक किया और जैसे ही मथुरा पे ये आए थे वैसे ही विक्रमादित्य ने इनको फोर्स कर दिया, दे फोर्स ही फोर्स्ड देम टू मूव इनटू मालवा. तो ये लोग बेसिकली मालवा में जाकर के फिर रहना शुरू कर दिए थे.
तो इस तरीके से यहां पर सीन हुआ और भगा दिया गया। और अल्टीमेटली जो है यहां का एकाद राजा है उसको नाम याद रखिएगा, लाइक राजुल, दिस इज राजुल। हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखिएगा, राजुल है। और जो लास्ट रूलर था उसका नाम था शोडास, दिस इज शोडास। लेकिन हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रहे तो ओके, अदरवाइज यू जस्ट नो द लिंक, आप पांचों लिंक के बारे में जानते रहिए। इस डायनेस्टी में अगर आए तो यहां पर जो डायनेस्टी आती है वहां पर सबसे पहला जो रूलर रहता है उसका नाम रहता है मायूस, ठीक है, मायूस। दूसरा जो राजा रहता है उसका नाम मायूस के बाद बनता है एजेस, दिस इज एजेस। एजेस के बाद में फिर एंजेलिसेज, एंजेली एंजेलोनस के नाम से याद कर सकते हैं, तो एंजेलिसेज। और फिर अल्टीमेटली एजेस टू बनता है। तो ये उसके बाद से यहां पर क्या होता है कि गोंडोफर्नीज, एक पार्थियन रहता है, वो अटैक कर देता है और तक्षशिला को अपने कब्जे में ले लेता है। तो यहां पर ये तक्षशिला की एक लिंक चल रही है। यहां पर ये जो लिंक है, जो ये उज्जैन और नासिक वाली है, ये वाली जो लिंक है जो बेसिकली वेस्टर्न साइड में चल रही है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ाई करनी होती है। तो हम लोग जरा फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तक्षशिला लिंक के बारे में पढ़ेंगे। मथुरा लिंक के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट है और तुरंत ही खत्म हो गया है। तो हम पहले तक्षशिला के बारे में देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द वेस्टर्न क्षत्रप। तो फटाफट देखते हैं सबसे पहले तक्षशिला के बारे में। तो After the decline of Mauryan Empire in the northwest, India was constantly under attack from the various invaders from south, central and west Asia. तो यहां से basically लगातार जो है वो attack हो रहा था, already हम लोग जान रहे हैं, in the post Mauryan age, in the post Mauryan age, या फिर बोल सकते हैं कि Shung dynasty और फिर Kanva dynasty. तो group Greek ruler यहां पर lasted about 180 BC till about 55 BC. तो basically यहां पर Demetrius, Menander, इन सब के बारे में हम लोग देख ही रखे हैं। तो ये पहले यहां पर अटैक तो किए और साथ ही साथ में ये पूरा का पूरा एरिया को रूल किए थे। यहां पर डिमेट्रियस इंपॉर्टेंट है, डिमेट्रियस 1, 2, 3 एंड मिनांडर, ठीक है, मिनांडर, ये दो बेसिकली इंपॉर्टेंट रूलर हुए थे उस समय। बाद में फिर अल्टीमेटली शकाज, ठीक है, अल्टरनेटिवली नोन एज द इंडियन सीथियन, इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो इस तरीके से 20 बीसी के नियर अबाउट में आए थे और अटैक किए थे, अटैक करके फिर अल्टीमेटली जो होता है इस एरिया में अपना मतलब एक टेरिटरी रख दिए थे। और एक्चुअली अटैक नहीं, देवर फोर्स टू मूव, ये तो आप समझ ही गए होंगे, पूरी लिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर पहले ग्रीक्स आए थे और ग्रीक्स के बाद अल्टीमेटली फिर शकाज आए थे, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिंक दे दिया था। और उसके बाद से पार्थियंस, पार्थियंस के बाद फिर कुशंस, ठीक। अब देखिए जरा आ जाते हैं तक्षशिला वाले पे। तो इन द बिगिनिंग ऑफ शका एरा कैन बी रिलेटेड टू द एसेंट ऑफ द किंग चस्टन। ये जो किंग चस्टन है, ये बेसिकली ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न क्षत्रप, वहां का राजा रहता है, ठीक है। तो वेस्टर्न राजा रहता है क्षत्रप चस्टन। द पीरियड ऑफ शका एरा फॉल बिटवीन 11 ईयर टू द 52 ईयर्स। द इंफॉर्मेशन वॉज रिट्रीव फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग चस्टन। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, वहीं से इसके बारे में पता चलता है। Scythians, जिसको कि शका भी बोला जाता है, वर ग्रुप ऑफ इरानियन नोमैडिक पास्टोरल ट्राइब्स। अगेन ये भी एक पास्टोरल ट्राइब थी, जैसा कि यूची ट्राइब थी। इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी, एशियन नोमैडिक ट्राइब एंड ट्राइब फ्रॉम चाइनीज रीजन इन्वेडेड द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कजाकिस्तान, हुज इनहैबिटेंट वर Scythians। ऑलरेडी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि यहां पर जो चाइनीज रूलर था हिंगनू, वो अटैक किया था पहले यूचियों पे, यूची फिर आ करके बेसिकली जो है वो इन Scythians को हटा दिए, और हटा दिए तो इंडिया में ये लोग आ गए थे। तो दिस प्रमोटेड द Scythians टू मूव टुवर्ड्स द बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। आफ्टर डिफीटिंग द पार्थियन किंग, दे मूव्ड टुवर्ड्स द Scythian हु माइग्रेटेड टू इंडिया एज नोन एज इंडो Scythians। तो ये बेसिकली कहानी आप लोगों को पूरी लिंक हो गई होगी। शकाज हैड अ ग्रेट इंडियन किंगडम लार्जर देन इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का बहुत ही छोटा सा एरिया था, केवल वेस्टर्न पार्ट का एरिया था, जबकि इनका एरिया काफी बड़ा हो गया था। तो ये ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए इस इलाके में यहां पर जो है तक्षशिला, उसकी लिंक मैंने आप लोगों को बता ही दी है। इसके अलावा एक मथुरा लिंक थी, मथुरा लिंक भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तक्षशिला के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस वेस्टर्न वाले पार्ट को जरा डिस्कस कर लेते हैं, जो वेस्टर्न यहां पर चीजें आई थी। यहां पर देखिए वेस्टर्न वाले पार्ट में दो क्लैन थे बेसिकली, जैसे हमारे यहां पे वर्ड सिस्टम होता है ना, वैसे ही यहां पर दो क्लैन थी। एक जो क्लैन थी उसका नाम था शहरात, तो दिस इज बेसिकली शहरात, शहरात डायनेस्टी भी आप इसको बोल सकते हैं।
दूसरी जो डायनेस्टी थी उसका नाम था कादर्मक, दिस इज कादर्मक, कादर्मक डायनेस्टी। जो शहरात डायनेस्टी थी उसका इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है नहपान, और दूसरा जो कादर्मक डायनेस्टी है उसके ही इंपॉर्टेंट रूलर है जिसका नाम है रुद्रामन, दिस इज रुद्रामन, रुद्रामन 1, 2, 3 कई सारे आए थे, और यहीं पर आया था चस्टन, दिस इज चस्टन, ठीक है। चस्टन का ये मतलब कह लीजिए कि चस्टन के लड़के का लड़का रहता है रुद्रामन 1, इतना रिलेशन आपको वैसे जानने की जरूरत नहीं है, खैर आपको आइडिया लग गया। तो बेसिकली ये एक कादर्मक हो गया, दूसरा जो है वो शहरात डायनेस्टी हो गई। ये जो है इस एरिया को रूल करके रखे हुए थे, ये जो आपका वेस्टर्न इलाका है यही रूल किए हुए थे। आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा आप देख लेते हैं पहले तक्षशिला वाले राजा लोगों का। तो तक्षशिला के एरिया में मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहला जो था वो मायूस था। तो मायूस ऑल्सो नोन एज मोगा वॉज द अर्लिएस्ट इंडो सीथियन किंग, सबसे पहले यही आया था जो कि फर्स्ट एरिया में मतलब इस एरिया में आया था, रह गया था। दूसरा एरिया मथुरा वाले साइड था, तीसरा एरिया उज्जैन, और चौथा एरिया नासिक वाला एरिया था, और पांचवा अफगानिस्तान का एरिया था जो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तो इसीलिए बोला था दिस वॉज द फर्स्ट वन। ही रूल्ड ओवर गांधार जो कि अगेन तक्षशिला है, तो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला। ही इन्वेडेड इंडो ग्रीक टेरिटरी बट अनसक्सेसफुल, ठीक है। कैपिटल जो थी इसकी सिरखाप थी जो कि बेसिकली पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में है, सियालकोट जिसको बोलते हैं। मेनी क्वाइंस इश्यूड बाय मायूस हैव बीन फाउंड, दे कंटेन बुद्धिस्ट एंड ऑल्सो हिंदू सिंबल्स, द लैंग्वेज यूज्ड इज अगेन क्या हो जाएगी, एक तो खरोष्ठी और दूसरी ग्रीक। खरोष्ठी क्यों, क्योंकि अगेन ब्राह्मी एंड ग्रीक दोनों मिलकर के खरोष्ठी बनाए थे, मतलब कि ग्रीक मतलब कि अरामिक, ठीक है। इसके बाद इसका जो बेटा रहता है एजेस वो बनता है, एजेस के बाद फिर आगे जाकर के और बाकी जो भी एंजेलिसेज और एजेस टू बनते हैं। यहां पर एंजेलिसेज, एंजेलिसेज के बाद में फिर बनता है एजेस टू, एजेस टू पर ही पार्थियंस अटैक करते हैं, और अल्टीमेटली पार्थियन जो राजा रहता है उसका नाम रहता है गोंडोफर्नीस, गोंडोफर्नीस ये अटैक करता है और अल्टीमेटली इस एरिया से शकास को हटा करके पार्थियन डायनेस्टी लेकर के आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पार्थियंस के बारे में, और यहां पर अगेन छोटा सा बहुत ही 10 मिनट का डिस्कशन है, उसको हम लोग फटाफट देख लेंगे कि आखिर में पार्थियन में कौन इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट रूलर ये है गोंडोफर्नीस, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अगर देख लेते हैं हम लोग, अब जरा वेस्टर्न साइड में आ जाते हैं, और वेस्टर्न साइड में मैंने आप लोगों को बताया कि दो डायनेस्टी थी, वन वॉज द शत्राप डायनेस्टी, सॉरी शहरात डायनेस्टी, दिस इज शहरात, और सेकेंड जो डायनेस्टी थी वो कादर्मक थी। शहरात डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है नहपान, फटाफट देख लेते हैं नहपान के बारे में। नहपान के बारे में सीन यही है कि जो ऑलरेडी आप लोग देख रखे हैं इस गौतमीपुत्र शतकर्णी वाले ही लेक्चर में। अच्छा, यहाँ पर इस शहरात, शहरात में एक और इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था भूमक, भूमक। ऑल दो इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, बट एक आइडिया लेने के लिए जस्ट कि ये भी था। तो जो नहपान था, ये नहपान बेसिकली इस एरिया को कैप्चर करके रखा था। इस एरिया में क्या क्या आ गया, एक तो काठियावाड़ आ गया, दिस इज द काठियावाड़ रीजन, काठियावाड़ के अलावा जो साउथ गुजरात है, वेस्टर्न मालवा हो गया, और पुणे और नॉर्दर्न कोंकण एरिया आ गया। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एरिया जो है वो नहपान के कब्जे में था। यहां पर कौन थी, ये थी सातवाहन, दिस इज सातवाहनाज। सातवाहन में ही गौतमीपुत्र शतकर्णी आता है राजा, और अल्टीमेटली इन दोनों का अटैक होता है। अटैक होने के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होती है, यहां पर नहपान का पूरा खात्मा कर दिया जाता है। इस नहपान के बाद आगे जा करके, अच्छा नहपान के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां पर एक है जोगल थम्बी, दिस इज जोगल थम्बी इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। इस जोगल थम्बी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि यहां पर कुछ सिक्के मतलब कि कुछ क्वाइंस मिले हुए हैं, और ये क्वाइंस जो है बेसिकली नहपान के टाइम के हैं, और इसने अपने आप को राजा बोला था, दिस वॉज द राजा, और बोल सकते हैं कि किंग बोला था, मतलब कि थोड़ी सी इंडियननेस लेकर के आया था ये बेसिकली आसपास के एरियाज को अपने साथ में अलाइनमेंट लेने के लिए, अलायंस बनाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद से कादर्मक डायनेस्टी आ जाती है इस गुजरात वाले रीजन पे, दिस इज द कादर्मक डायनेस्टी, और इस कादर्मक डायनेस्टी में जो पहला रूलर होता है उसका नाम रहता है चस्टन। ये चस्टन के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, ही वॉज अ शका रूलर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर उज्जैन। शका एरा इज बिलीव टू बी स्टार्टेड एट द एक्सेशन टू द पावर इन द 78 AD, इसी ने शक संवत स्टार्ट किया था।
टॉलमी ने इसे थियासींस और टेस्टींस बोला हुआ है. He was the founder of one of the two major Satrap dynasty. तो इस तरीके से जो शक दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा है वही बेसिकली यहां पर सीन होता है. ठीक है. इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया द भद्रमुख द अदर डायनेस्टी वॉज कॉल्ड शत्राज एंड जिसका शहरात जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया शहरात के बारे में और इसके बाद से कादरमक ये हुआ करती थी. ठीक है. इसके बाद से रुद्रामन आता है. रुद्रामन जो है वो चस्टन का एक तरीके से चस्टन कह सकते हैं कि रुद्रामन का ग्रैंड फादर था. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा रुद्रामन के बारे में. रुद्रामन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग रूलर था और इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुदर्शन लेक जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उसको इसने कह लीजिए कि मेंटेन करवाया हुआ था. ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द शकाज रूलर इज फ्रॉम द वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी. ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चस्टन. हिज किंगडम इंक्लूडेड कोंकण नर्मदा वैली काथियावाड़ एंड अदर पार्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा. ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन लेक एट काथियावाड़. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये ध्यान में रखिएगा सुदर्शन लेक को लेकर के काफी ज्यादा चीजें हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में डिस्कस करते रहेंगे. सबसे पहले थोड़ी सी बातें बता ही देता हूँ सुदर्शन लेक के बारे में. देखिये सुदर्शन लेक जो है वो है बेसिकली गुजरात में. यहां पर है सुदर्शन लेक. दिस इज सुदर्शन लेक. ये सुदर्शन लेक बेसिकली बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा. चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आप बोल सकते हैं. दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य. लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद नहीं बनवाया था. इसका एक गवर्नर था. उस गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य. दिस इज पुष्यगुप्त वैश्य. इसने बेसिकली ये बनवाया था और बाद में रुद्रामन ने इसे वापस से रिनोवेट करवाया है. अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है. यहां पर एक डैम बनवाया गया है और ये जो डैम है वो बनवाया गया है सुविशास्त्र के द्वारा. दिस इज सुविशास्त्र. थोड़ा सा देखिए टेक्निकल जरूर है लेकिन अगेन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है. और ये बेसिकली उस समय रुद्रामन के टाइम का अगेन गवर्नर था सुविशास्त्र. ठीक है. तो ये सुविशास्त्र आपको याद रखना है. इसके अलावा पुष्यगुप्त वैश्य का नाम याद रखना है और रुद्रामन वन के बारे में याद रखना है. हालांकि बाद में जाकर के फिर हम लोग अगेन बात करेंगे जब तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी फिर से हम लोग सुदर्शन लेक के बारे में देखेंगे क्या चीज है. जो रुद्रामन रहता है वो बेसिकली हिंदू वुमन के साथ में इनका शादी हुआ रहता है और ये किससे हुआ रहता है अगेन वही जो बात किए थे ना हम लोग सातवाहन डायनेस्टी में कि वशिष्ठी पुत्र इसके साथ हार जाता है लेकिन बाद में शिवश्री के साथ में इसकी शादी करा दी जाती है. तो ही ऑल्सो इश्यूड द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इन द चस्त संस्कृत. अब देखिए ये बेसिकली है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखा गया था इंडिया का. तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रामन ने करवाया था और पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसने संस्कृत में लिखवाया हुआ है. He took the title of महाक्षत्रप after becoming king. अच्छा रुद्रामन की लड़ाई हुई थी आपको पता ही है क्योंकि ऑलरेडी जो है नहपान को गौतमीपुत्र शतकर्णी ने हराया था. तो उसके बाद में चस्टन के बाद फिर रुद्रामन बनता जब है राजा तो रुद्रामन जो है वो वापस से बदला लेने के लिए जाता है. तो रुद्रामन का फिर अल्टीमेटली शिवश्री शतकर्णी के साथ सॉरी वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी के साथ में पुलवामी के साथ में अटैक होता है. तो दिस इज वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ अटैक होता है और दो बार इसको हरा देता है. मतलब वशिष्ठी पुत्र हार जाता है तो गौतमी पुत्र शतकर्णी को यही लगता है कि द ओनली ऑप्शन इज मेक अ मैरिटल रिलेशंस. तो मैरिटल रिलेशन के लिए फिर इसको बोलता है लेकिन ये तैयार नहीं होता है. लेकिन इसका जो भाई रहता है शिवश्री शतकर्णी उसके साथ में फिर इसकी शादी करा दी होती है. इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन फिर से पीसफुल हो जाता है. He maintained marital relation with सातवाहन. वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी was his son-in-law, but he also fought numerous war with them. He regained through conquest most of the territories previously under Nahapan. He supported Sanskrit literature and cultural art. He was during Rudraman's reign that यवनेश्वर मतलब कि यवन बोला जाता है ग्रीक को पता ही आपको. तो यवनेश्वर वाज द ग्रीक राइटर लिव्ड इन इंडिया एंड ट्रांसलेटेड यवन जातक फ्रॉम ग्रीक टू संस्कृत. तो ये बेसिकली ध्यान में रखिएगा ये भी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखनी है. लास्टली देख लेते हैं आखिर में डिक्लाइन कैसे हुआ. तो डिक्लाइन के लिए शका एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन आफ्टर देयर डिफीट एट द हैंड ऑफ सातवाहन एम्परर गौतमीपुत्र शतकर्णी. वहीं से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था और अल्टीमेटली शकाज रूल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब कि यहां पर जो तक्षशिला था
तक्षशिला में तो सीधे सीधे जो होता है जो एजियस 2 था उस पर अटैक हो गया था पार्थियंस का पहले, और यहां पर गोंडोफर्नीज आकर के अपना अधिकार कर लेगा। बाद में हालांकि कुशंस आ जाएंगे और कुशंस अटैक करके इस पूरे एरिया को अपने अंदर में कैप्चर कर लेंगे इन द वेस्टर्न इंडिया। अब यहां पर कैसे इनका डिक्लाइन हो गया, तो देयर रूल केम टू एन एंड इन द 4th century AD व्हेन द लास्ट वेस्टर्न क्षत्रप रूलर रुद्रामन 3 वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त 2 ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब यहां पर क्या सीन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चीजें मैं लिंक कर रहा हूं। तक्षशिला में क्या हुआ था कि जो यहां पर एजियस था, तो एजियस 2 के समय गोंडोफर्नीज ने इस पर अटैक कर दिया। गोंडोफर्नीज ने अटैक करके अल्टीमेटली यहां पर पार्थियन डायनेस्टी लेकर के आ गया, लेकिन ये पार्थियन डायनेस्टी पे अगेन अटैक हो गया था कुशंस का, और इस तरीके से कुशंस जो है काफी लंबे समय तक यहां पर रूल किए थे। इनफैक्ट ये कुशंस ने इस पूरे के पूरे एरिया पर अपना कैप्चर कर रखा था फ्रॉम द नॉर्थ टू द सेंट्रल इंडिया, और इस तरीके से यहां पर जो साउथ में चोल चेर पांड्य है इस समय तक ये भी राइज कर गए थे। हालांकि यहां पर जो है कुछ अलग ही सीन चल रहा था, पल्लव चालुक्य इन सबों का भी सीन हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट साउथ इंडिया का अलग से ही हम लोग पूरा का पूरा सीन देखेंगे कि आखिर में यहां पर क्या चल रहा था। फिलहाल नॉर्थ इंडिया में कुशंस आ गए थे आफ्टर पार्थियंस। इन कुशंस का जो फ्यूड था, मतलब फ्यूडल सिस्टम चलती थी, सामंती व्यवस्था चलती थी, इनके फ्यूड जो है वो गुप्तास थे। फ्यूड का मतलब आप लोग इस तरीके से समझिए कि एक इंडिपेंडेंट रूलर टाइप का होता था, जो एक्चुअली रूलर नहीं था, वो इसके कुशन के अंडर में, कुशन के कह लीजिए लीडरशिप में ही अपनी एक व्यवस्था बना करके रखा हुआ था, जिन्हें फ्यूड्स बोला जाता था या फ्यूडल बोले जाते थे। तो ये जो बेसिकली गुप्तास थे वो कुशंस के ही अंडर में फ्यूड्स थे, और इसमें जो सबसे पहला था उसका नाम था श्री गुप्त। अल्टीमेटली इसने कुशंस को मार मार करके खत्म किया था कुशन की डायनेस्टी, और यहां पर गुप्ता डायनेस्टी लेकर के आया था इंडिया में। बात करेंगे हम लोग इसको सब्सिक्वेंट लेक्चर में, हम लोग पहले कल देखेंगे पहले कुशंस के बारे में और फिर आगे उसके गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी हर एक एग्जाम में, नॉट ओनली इन द सिविल सर्विसेज बट ऑल्सो इन द CAPF एंड अदर एग्जामिनेशन ऑफ द UPSC। काफी ज्यादा फेवरेट एरिया होता है इस गुप्ता डायनेस्टी से। अब डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन होने के बाद अल्टीमेटली अब देख लेते हैं इसके आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड शकास से क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके का था यहाँ पर। तो आउट ऑफ द ऑल द ब्रांच विच रूल्ड द वेस्टर्न इंडिया वॉज पावरफुल एंड एग्जिस्टेड फॉर 4 सेंचुरी, क्योंकि इससे पहले जो तक्षशिला वाली थी थोड़ी सी लंबी चली थी, लेकिन वहां पर पार्थियंस का अटैक हो गया था। इसके अलावा मथुरा वाली डायनेस्टी फटाफट खत्म हो गई थी, उसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान की डायनेस्टी थी वो तो बहुत ही पहले खत्म हो गई थी, तो उसके बारे में भी अगेन हमें कुछ खास ज्यादा डिस्कशंस नहीं करने हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न वाली लिंक है वो काफी पावरफुल है। इन द 58 BC किंग ऑफ उज्जैन, अब देखिए ये वो कह लीजिए कि मथुरा वाली लिंक है, दिस इज द मथुरा वाली लिंक जहां पर किंग ऑफ उज्जैन ने शकास को डिफीट किया और इसने विक्रमादित्य टाइटल ले लिया। तो इस तरीके से जो शक थे वो फिर चले गए थे, और इस तरीके से इसने विक्रमादित्य एक नया एरा भी स्टार्ट किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य स्टार्ट किया था चस्टन के ड्यूरिंग में, इन द ड्यूरेशन ऑफ चस्टन, वहां पर इसने शक संवत या फिर शक एरा स्टार्ट किया था। द मोस्ट फेमस शक रूलर वॉज द रुद्रामन 1, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में शादी भी हुई थी। अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात किया जाए, तो दे एम्फसाइज्ड ऑन प्रॉपर इरिगेशन टू द रीजन, फॉर दैट दे रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, ऑलरेडी डिस्कस्ड। लास्टली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बातों को देख लेते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में यहां पर क्या है कि ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो संस्कृत में लिखना शुरू हो गए थे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन वॉज द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में था। अर्लियर इंस्क्रिप्शन वर इश्यूड इन द प्राकृत, इससे पहले प्राकृत में लिखे जाते थे क्योंकि यही ज्यादा प्रिवेलेंट थी। इनफैक्ट जैन जैसे ही जैन धर्म आया था वैसे ही प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुशंस के बारे में, पार्थियंस के बारे में और सुपर इंपॉर्टेंट कनिष्क के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मटेरियल मिल जाएगा ये सारा जो स्लाइड्स है, और अपने डाउट भी आप वहीं पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।